हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। मैं हूँ फारूक शेख। तो गाइस, न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ब्लॉग ये है कि आज हम लोग ने गाइस, मैंने आपको 12 दिन पहले बताया था, ये हम 12 दिन के पहले 12 दिन के दो तीन दिन पहले, मतलब 14 दिन हो गया, 14 दिन पहले बताया था कि हमारे पास एक बाइक है, मेरे पास एक बाइक है, वो स्कूटी है, और एक नई बाइक लेना था, वो जो गियर वाली बाइक होगी। तो गाइस, फाइनली मैंने वो बाइक ले लिया हूँ, लेकिन कुछ रीज़न से मैंने डिलीवरी की वीडियो नहीं ले पाया, क्योंकि मेरे साथ कोई था नहीं और डिलीवरी की वीडियो लेने के लिए कुछ, मतलब शोरूम तो छोड़ दो, लेकिन फिर भी डिलीवरी होती है। तो मेरी पहली बाइक थी, वो पहली बाइक है मतलब, फिर भी लेकिन छोड़ जाने तो कोई नहीं। अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वाला व्लॉग जो आप लोग देख रहे हो, ये हमारी BS6 स्प्लेंडर का व्लॉग है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हीरो स्प्लेंडर, मैंने BS6 की लिया हो। तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हम लोग इसमें BS6 जो लिया हो मैंने, तो इसमें आपको पूरा रिव्यू दूंगा, ऑन रोड प्राइस बताऊंगा, और मेरे एरिया मुंबई सागीनागा के हिसाब से आपको सब कुछ बता दूंगा। तो गाइस, चलो स्विच करता हूँ मैं और वीडियो को आगे देखते हैं, चलो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, ये रही अपनी हीरो स्प्लेंडर, आप लोग देख सकते हो, हीरो स्प्लेंडर BS6 मॉडल है ये, लो आप लोग देख सकते हो। गाइस, अगर आपको थोड़ी बहुत भी वॉइस आ रही रहेगी तो प्लीज़ उसके लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। तो मैं एक दूर आया हूँ अपने जगह पे, वहाँ पे आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये मेरी स्प्लेंडर है, BS6 मॉडल है। तो गाइस, इसकी आप लोग आज देख सकते हो, ये फुल ब्लैक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरी ब्लैक है, देख सकते हो आप लोग, ये पूरी ब्लैक है। ये मेरा नंबर है गाड़ी का, MS03DW7220, ये मेरा नंबर है, और ये हम लोग इधर पे व्लॉगिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं आपको आज इसका पूरा एक बोलते ना रिव्यू दे दूँगा, पूरा इसको मैं मेरे हिसाब से बता डालूँगा कि इसमें आप लोग को कैसे यहाँ पे मिल सकती है, क्या होगा क्या नहीं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये है हीरो स्प्लेंडर की BS6 स्प्लेंडर प्लस। तो गाइस, ये जो अपनी बाइक है, ये स्प्लेंडर प्लस BS6 मॉडल है। तो मैं आपको इसका सब बता देता हूँ। तो ये BS6 मॉडल मतलब FY i3S दोनों है इसके अंदर। तो गाइस, इसमें ना कुछ सेगमेंट्स आते हैं जिसमें i3S नहीं रहता है, जहाँ आपको डीलर ओनर बताएगा कि ये i3S आपको चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन मैंने जो लिया हूँ, मेरी i3S की प्राइस की बात करेंगे ना, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ इसकी प्राइस, सेगमेंट और सब कुछ। तो ये जो बाइक है हीरो स्प्लेंडर, ये मेरे को 85,500 की ऑन रोड प्राइस है मुंबई की, आप चेक कर सकते हो नेट पर, गूगल पे। तो इसकी ऑन रोड प्राइस 85,000 तक आएगी, और लेकिन ये मेरे को मिली है 86,000 में। तो गाइस, 86,000 में इसके लिए मिली क्योंकि हम लोग की इधर इसकी डिमांड, तो मतलब प्राइस तो है ही, और ऊपर से ये ब्लैक कलर है, आप लोग देख सकते हो, ये जो है पूरी ब्लैक है ना, आप लोग को बताया था मैं, ये ब्लैक है। तो इसके हिसाब से इसको 1000 मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ा, 1000 फिर एक्स्ट्रा दिया, तो 86,000 पे पड़ गई मुझे। और गाइस, ये मैंने लोन पर लिया हूँ, 30,000 DP भरकर, 30,000 डाउन पेमेंट भरने के बाद 3 ईयर्स का मेरा लोन है, 3 ईयर्स का लोन। और मेरा जो EMI है, मंथली EMI, ये है कुछ 2,396 ऐसा ही कुछ है। तो मैं 400 पकड़ता हूँ, 2,400, और मैं अभी आपको बता देता हूँ। गाइस, ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ये कुछ अभी देख सकते हो 12 किलोमीटर ही चली है, आप लोग देख लो 12 किलोमीटर ही चली है। और ये जो है अपनी, ये i3S है, मैं जैसे कि आपको बताया। तो अभी इसकी बात करते हैं, गाड़ी की बात करते हैं। ये हमारी i3S है, और FIS के अंदर फ्यूल इंजेक्टर जो BS6 में आता ही है, अभी स्प्लेंडर प्लस स्प्लेंडर में, सुपर स्प्लेंडर सब, अभी मोस्टली बाइक में BS6 में FI आता है। तो FI मतलब, आपको मैं बता देता हूँ, FI का फुल फॉर्म है फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर ये इसलिए होता है ताकि अपनी जो बाइक है उसको कार्बोरेटर की ज़रूरत ना पड़े। क्या होता था, पुरानी बाइक से ना ज़्यादा हिली पर ऑक्सीजन नहीं ले पाती थी, तो उसकी वजह से इसका कुछ होता नहीं था। तो ये FI इसके लिए लगाया है ताकि इसके अंदर आप लोग आराम से, मतलब किधर पे भी जा सकते हैं, पहाड़ी इलाके में किधर पे भी, इसके लिए इसका देख सकते हो आप लोग, ये FI है, प्रोग्राम FI पावर स्टार्ट, ये ऐसा है। तो मैं आपको इसकी फ़ीचर्स की थोड़ी बात बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये कुछ ऐसा एनालॉग है हमारा, ये ऐसा 10 to 140। तो गाइस, इसकी मैक्स स्पीड आप पूछोगे तो ये 120 तक चले जाती है, कैसे भी आप लोग भगा सकते हो उसको, लेकिन इजीली आपको 100 दिखा देती है ये, 120 110 आपको एकदम करना पड़ेगा उसके लिए,
मेहनत बोलते ना एकदम स्ट्रेट हो जाना पड़ेगा। तो गाइस ये अभी इधर पे आप देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे ये I3S का बटन, इससे क्या होता है मैं इससे भी आपको पहले बता दूंगा बाद में। तो यहाँ पे अपना कुछ बटन से इंडिकेटर के लिए सब कुछ चालू है, ये हेडलाइट अपर डपर, और ये हॉर्न है अपना, और अपना जो ऐसे इंडिकेटर रहता है वैसा इंडिकेटर है। आप लोग ने बहुत सारी वीडियो देखी होगी जैसा कि मैंने भी देखा हो, लेकिन एक ओनरशिप जो रहती है ना रिव्यू, वो बात अलग होती है। तो ये हमारी ओनरशिप है, अभी हम लोग ने इसको ख़रीदे है, तो अभी इसको हम लोग चलाएंगे, यूज़ करने ही वाले, इसका भी हम लोग इसका जो है माइलेज टेस्ट करेंगे, सब कुछ करने वाले हम लोग, तो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे हम लोग अभी मैंने आपको पूरा बता दिया, अभी इस पर हम लोग बेसिकली एक अपना जो भी अपना टेस्ट करेंगे पावर टेस्ट वो सब, अभी तो फ़िलहाल अपने पास कुछ भी नहीं है, मैंने आपको एक रिव्यू दिया ओनरशिप रिव्यू, नॉर्मल रिव्यू है। तो गाइस आपको कैसा लगा रहेगा, थोड़ा भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलता है अगली वीडियो में अपने हीरो स्प्लेंडर प्लस को लेके। तो गाइस चलो बाय बाय, टेक केयर।